हम ही है स्पेशल पर्सन। ओए क्वेश्चन नंबर 1 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर x dx यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें राइट डाउन है कि आपको प्रॉपर्टी की हेल्प से क्वेश्चन को लेके चलना है, अदरवाइज हम इसमें क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाकर भी कर सकते थे। देखो हम लोग इसको कौन सी पहले तो यूज करेंगे, सबसे पहले तो कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग इसमें यूज करने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी को हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 0 टू a f a माइनस x, ये वाली प्रॉपर्टी हमें यहाँ यूज करनी है। ठीक है बेटा, तो ये स्टेप इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया i इज इक्वल टू लिखते हुए। अब ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी तो i इज इक्वल टू 0 टू a, तो 0 टू a दैट मीन 0 टू पाई बाई 2 का पाई बाई 2 रहा, यहाँ आ गया f a माइनस x, दैट मीन्स यहाँ हो गया cos स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास पाई अपॉन 2 माइनस x और dx। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, दैट मीन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब ऑन एडेड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को दोनों को क्या कर दो एड, ऑन एडेड इक्वेशन 1 एंड 2 आई और आई मिलकर कितना हो गया बेटा 2y, जो हम करेंगे तो लिमिट दोनों की सेम है 0 टू पाई बाई 2, दैट मीन्स ये दोनों आपस में मैं इनको कंबाइन कर देती हूँ, बीच में प्लस का साइन लगा दिया, ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और ये साथ में डी एक्स। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज कर लो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा बेटा, वन। ठीक है, अब वन को इंटीग्रेट कर दिया तो टू आई इज इक्वल टू ये आ गया एक्स जीरो से लेकर पाई बाय टू, यहाँ पर लिमिट ऑपरेट कर दी तो पाई बाय टू माइनस जीरो और टू आई, डेट मीन्स आई इज इक्वल टू आ गया आपके पास पाई बाय टू, डेट मीन्स आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का जो आंसर है देन जीरो टू पाई बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। आगे समझ में क्वेश्चन, आइडेंटिटी यूज करने से क्वेश्चन में क्या क्या चेंजेस हो गया और क्वेश्चन इजी भी हो गया। नहीं तो हम लोग कॉस स्क्वायर अगर आइडेंटिटी यूज करने के लिए नहीं कहा जाता कि प्रॉपर्टी यूज करो तो कॉस स्क्वायर एक्स में कॉस मिक्स वाली लगाते सिंपली जैसे इंटीग्रेट करते हैं उसके बाद फिर इसमें लिमिट ऑपरेट करते। क्लियर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आइडेंटिटी यूज की है हमने यही वाली आइडेंटिटी इस वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ये हो गया साइन 3 अपॉन 2 एज इट इज रहा, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं पाई अपॉन 2 माइनस एक्स और मैं ब्रैकेट बनाकर ऐसे लिख देते 3 अपॉन 2, डिनोमिनेटर में भी चेंज कर दिया साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स पावर 3 अपॉन 2, बीच में प्लस कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स और पावर बेटा 3 अपॉन 2। आप साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले लगा देते हैं इसमें हम लोग कॉस एक्स और ऊपर से पावर कितनी है 3 अपॉन 2, तो वैसे नीचे आ गया, यहाँ आ गया हमारे पास कॉस 3 अपॉन 2 एक्स, यहाँ गया प्लस साइन 3 अपॉन 2 एक्स। इक्वेशन नंबर 2 ऑन एडेड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 अब इनको ऐड करते हैं, ऑन एडेड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करूंगी तो i प्लस आई 2i हो गया, लिमिट दोनों की सेम है 0 से लेकर पाई अपॉन 2, दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, दैट मींस मैं डायरेक्ट एलसीएम वाला स्टेप भी यहां पर ले लेती हूँ, डेनोमिनेटर सेम कॉपी करा हम लोगों ने कॉस की पावर 3 अपॉन 2 प्लस साइन एक्स 3 अपॉन 2, ऊपर आ गया मेरे पास साइन और इस वाले से आ गया कॉस,
साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x और साथ में कौन है ds, ये से पूरा कैंसिल हो गया. नाउ अब गेट 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 टू पाई अपॉन 2, अंदर कुछ नहीं बचा इट इज 1, 2 पाई इज इक्वल टू हो गया x और 0 टू पाई बाय 2. जब लिमिट ऑपरेट करोगे तो आएगा पाई बाय 2 माइनस 0, दैट मींस i इज इक्वल टू पाई बाय 4. आइडेंटिटी यूज करने से क्वेश्चन इजी हो जाएगा ना हमारे, और सिंपली आराम से हो भी पा रहे हैं, ज्यादा कैलकुलेशन भी लेंथी नहीं. हाँ आ रहा है समझ में? बेटा कहीं कोई डाउट है, ये वाली चीज देख लीजिए, ये वाली चीज आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यही है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है मुझे, x माइनस 5, तो यहाँ पर x माइनस 5 के साथ दिया तो क्या हो जाएगी वैल्यू? अगर हम बिल्कुल इसी तरह से चलेंगे तो x माइनस 5 के साथ दिए वाला सही लगाओगे ऐसे और ये क्या हो जाएगा फिर, दैट मींस उसकी लिमिट हो जाएगी, यहाँ पर है मेरे पास 2 से 8, तो ये जाएगा 2 से लेकर 5 और 5 से लेकर 8, इसमें नेगेटिव साइन आएगा इसमें पॉजिटिव साइन आएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे मैम. हाँ बेटा बता. मैम ये जो प्रॉपर्टी नंबर 7 दे रखी है, प्रॉपर्टी नंबर बुक ओपन कर लेती हूँ, हाँ हाँ बोर्ड प्रॉपर्टी 7 दिख गई, P7 जिस पे लिखा हुआ है ना. हाँ मैम वो हाँ. भी तो बिल्कुल देखने में ऐसी है, तो हमने वो क्यों नहीं लगाई? इसमें देखने में बिल्कुल ये ऐसे वाली है, बट ये मॉडुलस के साइन के अंदर थी ना. अब क्या है इसमें आप देखो, इसमें इवन और ऑड वाला आ रहा है, डेट मीन्स जब मैं f माइनस x मेरा f x के इक्वल आएगा, बट इन दिस केस तो यहाँ पर तो मॉडुलस का साइन लगा हुआ, तो इसे नेगेटिव का साइन आएगा ही नहीं कहीं पर भी, ना इवन का पता चलेगा ना ऑड का पता चलेगा. अच्छा अच्छा ठीक है ना, उसमें देखो इवन के लिए और ऑड के लिए दे रखा है ना, जब ऑड होगा तो डायरेक्ट आंसर 0 आ जाएगा, जब इवन होगा तो उसमें 2 बाहर आ जाता है, इसलिए यहाँ पर वो वाली अप्लाई नहीं हुई बेटा. ठीक है ओके मैम. अब 7 देखते हैं बेटा. मेरा क्वेश्चन नंबर 7, 0 to 1 x^(1 − x^2)^n और dx. हाँ इससे सोचो, इसे किस तरह का कौन सी प्रॉपर्टी से कर सकते हैं इसको, 0 to a f x, अभी जो लगाई थी वही लग रही है ना इससे, फर्स्ट क्वेश्चन में जो लगा रहे थे हम a माइनस x है ना, देखना यही वाली अप्लाई कर दो. ठीक है आज केवल क्लास में 7 स्टूडेंट हैं, बाकी सब कहाँ गए? क्या सबने सोचा क्लास नहीं होगी आज, इंग्लिश रीडिंग की क्लास है मैम, और एम्स तो बस एक ही है कृतिका. हाँ 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 वो तो 1 बजे से है ना. ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन हो गया, कहीं कोई डाउट इसमें? मैम एक बार दोबारा से बता दीजिए. हाँ यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लिखी, प्रॉपर्टी यूज करिए, 0 to a एफ एक्स डी एक्स है, तो 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स कर दिया. अब जहाँ पर मेरे पास x है वहां पर a माइनस एक्स लगाना है, डेट मीन्स इस x के पहले इस पर आ गया 1 माइनस एक्स, ये 1 एज इट इज रहा, माइनस एज इट इज रहा, फिर ये वाला x है इसके पहले इस पर क्या आएगा 1 माइनस एक्स, ये एज इट इज कॉपी हो गया, 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एक्स आ गया x^(n). अब मैंने इस चीज से मल्टीप्लाई कर दी, 1 की इंटू करी x^n एंड माइनस x^(n+1). क्लियर? अब इसको अलग अलग ऑपरेट कर दिया, अलग अलग ऑपरेट करके इनको इंटीग्रेट कर दिया, देन इन पे लिमिट ऑपरेट कर दिया. यहाँ पर लिमिट ऑपरेट करिए तो 1 की पावर कुछ भी होगी तो 1 ही आएगा,
और जीरो है, जब जीरो रखूंगी तो x की जगह जीरो रखा, जीरो की पावर कुछ भी होगा तो वो भी जीरो आएगा, इसलिए मैंने जीरो वाला पार्ट इसमें लिखा नहीं है, शो नहीं किया। ठीक बेटा? यस मैम। हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, लॉग का भी है और टेन भी है साथ में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 0 से लेकर पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस 10 एक्स डी एक्स। मैं वही a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगी इसमें बेटा, जो अभी लगा रही थी, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू a एफ a माइनस एक्स, सारे जीरो टू वाले, ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि यही प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। लगा सकते हैं ना यही प्रॉपर्टी इसमें भी वापस से? इसमें भी जीरो टू ए वाली आइडेंटिटी हमारी प्रॉपर्टी यूज हो गई, जहां पर x था वहां पर आ गया a, a की वैल्यू पाई अपॉन 4 माइनस है, tan a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इनटू tan b, tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी है 1, LCM ले लिया, LCM लेने के बाद यहाँ गए 2 और tan x से tan x कैंसिल। अब यहाँ log m अपॉन n, दैट मीन्स log m माइनस log n की फॉर्म में लिख दो और अलग अलग इसको ऑपरेट भी कर दो, इसको डिवाइड भी कर देते हैं, दैट मीन्स 0 से पाई बाय 4 इसमें आ गया log 2 dx, दूसरे वाले में आएगा माइनस 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस tan x dx। यहाँ देखिए वाला स्टेप क्लियर? अब आप देखो तो ये वाला, इसको तो हम अलग से सॉल्व कर लेंगे, इस वाले पार्ट को देखो, इसमें log तो क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, बाहर आ गए तो अंदर बचेगा केवल 1, 1 का कर दिया 0 टू पाई बाई 4, इसको मैंने i1 ले लिया। अब इस वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करके और इसकी वैल्यू इसमें रख देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो देखो। अब नहीं बेटा ये वाली चीज देखो जरा जरा, जो मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था मेरे पास, यही है ना, देखो लॉग का लॉग 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स है, तो इसको आई वन नहीं, इसको आई ही रख दिया, आई इज इक्वल टू, ये वापस से क्वेश्चन आ गया तो यहाँ आई हो गया और यहाँ इज इक्वल टू में आई चल रहा है, तो आई और आई इधर आ गया तो कितना बन गया, टू आई इज इक्वल टू लॉग 2, लिमिट रखी तो याद आई फाइव बाई 4। अब क्या करा जाएगा, 2 उधर चला जाएगा और log 2 की वैल्यू कितनी होगी, log 2 रहेगी, डेट में से आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू पाई अपॉन 8 log 2। यहाँ पर वापस से आपका जब हम लोगों ने अप्लाई करा log m अपॉन n, तो वापस से मेरा यहाँ पर ये i की फॉर्म भी बन गई, इसके पहले इस पर i पुट करा, नेगेटिव का i था उधर गया 2i, log 2 as it is, लिमिट ऑपरेट करी pi by 4 माइनस 0 तो pi by 4, ये वाला 2 इसके अपॉन में आ गया pi अपॉन 8 log 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में लिमिट माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स वाला रोल है, तो एफ एक्स की वैल्यू है बेटा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, जब आप एफ माइनस एक्स निकालोगे, दैट मीन्स एक्स के पहले इस पर क्या रखो आपने माइनस, और जब ऊपर से इसका क्या करा स्क्वायर, तो ये वापस से साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा, साइन स्क्वायर एक्स मतलब क्या हो गया एफ एक्स, कहने का मतलब क्या एफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया एफ एक्स के, जब एफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा तो हम लोग क्या कर दें उस क्वेश्चन में, प्रॉपर्टी हो जाएगी टू ऑपरेट, हाँ, और जीरो टू के साथ हो जाएगा ना, जीरो टू पाई बाई टू आ जाएगा बेटा, जीरो टू पाई बाई टू ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वेयर एक्स डी है। अब यहाँ पर हम अगेन प्रॉपर्टी लगाएंगे ए माइनस एक्स वाली, क्योंकि जीरो टू ए है, जीरो टू पाई बाई टू बेटा साइन इन स्क्वेयर पाई अपॉन टू माइनस एक्स डी है। अब इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, साइन से किसमें हो गए कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स, यहाँ पे क्लियर हो गया,
पहला हम लोगों ने प्रॉपर्टी लगाई एफ एक्स और एफ माइनस एक्स के आ गए मेरे इक्वल, यदि इक्वल आ गए तो यहाँ प्रॉपर्टी यूज हो गई। आप प्रॉपर्टी यूज करके भाई यहाँ जीरो टू ए है तो अगेन हम लोगों ने ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर ली। बेटा आप लोग यहाँ प्रॉपर्टी राइट डाउन कर देंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है, आप लिख दीजिए। इतना आने के बाद क्योंकि ये भी आई के इक्वल ही चल रहा है, अब इक्वेशन नंबर वन और टू को क्या कर दूं, एड ऑन एड, तो हम इसको एड करेंगे तो टू आई इज इक्वल टू टू, दोनों में से बाहर कॉमन आ गया और जीरो टू फाइव बाई टू ऊपर तो है मेरे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डीएक्स और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई वन। लेट मी सी आ गया मेरे पास यहाँ x लिमिट लगा दी i इज इक्वल टू आ गया बेटा फाइव अपॉन टू, i इज इक्वल टू फाइव अपॉन टू। जहां भी हम लोग जोन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को पूरा ही लिख लेना, ये मत लिखना कि p1 प्रॉपर्टी यूज करी है प्रॉपर्टी नंबर वन यूज करी, वहां आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। बेटर है कि जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा कि a माइनस एक्स वाली तो आप यहाँ राइट डाउन करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखी दी कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, तो प्रॉपर्टी पूरी पूरी लिख के चलना। इससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर्टी लर्न भी हो जाएंगी और प्रॉपर्टी यूज करने भी आने से हो जाएगी किस तरह से यूज कर। देखिए जो अब हमारे पास क्वेश्चन 12 है हम वापस से यही वाली इसमें प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो ये मेरा वही आई इज इक्वल टू हो गया, आई इज इक्वल टू प्रॉपर्टी यूज करी जीरो टू पाई रहा एफ ए माइनस एक्स, दैट मीन जाएगा पाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है ना, जीरो टू पाई पाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, ये इक्वेशन टू हो गई और वो इक्वेशन वन, ये वन हो गया और ये वाली इक्वेशन टू हो गई। ऑन एडेड जैसा अभी तक करते आते हैं ऑन एडेड इक्वेशन वन एंड टू, तो टू आई इज इक्वल टू लिमिट सेम है जीरो टू फाइव, जब मैं इसको एड करूंगी एक्स प्लस फाइव माइनस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स डी एक्स, यहाँ कौन कैंसिल हो गया एक्स से एक्स कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब हम लोग क्या करते हैं पाई हमारा कांस्टेंट है इसको बाहर ले लो, ये हो गया टू आई इज इक्वल टू पाई बाहर आ गया जीरो टू पाई वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स बचा बेटा वन प्लस साइन एक्स, हम इसमें स्टेप लगा लेते हैं इसमें मैं क्योंकि वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं हो पाता तो मैंने इसमें वन माइनस साइन एक्स से इंटू कर लू, इसका बेनिफिट देखो क्या हुआ ऊपर हो गया मेरे पास वन माइनस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स स्क्वायर दैट मींस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया डायरेक्ट पाई जीरो टू पाई रहा, अब इसको अलग अलग वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स और साइन अपॉन कॉस टेन एक्स और वन अपॉन कॉस सेक एक्स, अब इसको वापस से अलग अलग ऑपरेट कर दिया जीरो टू पाई अलग सेक स्क्वायर एक्स माइनस जीरो टू पाई टेन एक्स और सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स होता है बिल्कुल ठीक, पाई एक्स ही रहा ये हो गया टेन एक्स और ऊपर से लग गई इसके साथ लिमिट पाई से लेकर जीरो, नेक्स्ट वाला हो गया ये क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है सेकेंड, वापस से पाई बाहर ही रहा और लिमिट लगा दी थी बस लिमिट ऑपरेट करने के बाद हो जाएगा तुम्हारे पास इसका आंसर। देखो टेन पाई की वैल्यू कितनी होती है यहाँ का टेन पाई माइनस टेन जीरो, टेन पाई और टेन जीरो दोनों ही जीरो होते हैं ना, ये तो ये वाला तो पूरा बैठे जीरो हो गया, अब यहाँ सेक पाई की वैल्यू कितनी आएगी सेक पाई की वैल्यू आएगी मे बी माइनस माइनस वन, सेक पाई की वैल्यू आएगी इसको लिख लेते हैं माइनस टेन पाई माइनस टेन जीरो अलग हो गया ये हो गया सेक पाई और सेक जीरो, सेक जीरो भी वन होता है ना yes, ये वैल्यू यहाँ आ गई मैं यहाँ लिख दूंगी पाई ये पूरा ब्रैकेट जीरो है पहले वाला माइनस सेक पाई की वैल्यू माइनस वन और सेक जीरो की वैल्यू भी माइनस वन, तो पाई ये जीरो हो गया पूरा प्लस कर दू टू आई हो गया टू पाई और ये टू आई के इक्वल टू चल रहा था तो आई इक्वल टू पाई आ गया केवल पाई
यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, चलिए इसको यूज करते हैं, वही इसको आई इज इक्वल टू ले लिया, प्रॉपर्टी अप्लाई करी आई इज इक्वल टू, यहाँ चलिए पहले निकाल लेते हैं इसमें एफ टू ए माइनस एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एफ टू ए माइनस एक्स, एफ मतलब कॉस, टू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर टू पाई माइनस एक्स, और होल पावर कितनी है बच्चे इसमें फाइव, तो कॉस टू पाई पर वैल्यू कितनी होगी, कॉस टू पाई पर जो कॉस की होती है तो कॉस की पावर फाइव एक्स आ गया, डेटनेस ये वेरीफाई कर गई, जब ये वेरीफाई कर गए तो ये चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, आई इक्वल टू टू बाहर आ जाएगा और लिमिट हो जाएगी जीरो टू पाई, और वापस से क्या हो जाएगा ये cos 5x dx, cos 5x dx हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम इनको यहाँ से फिर प्रॉपर्टी लगा देती हूँ जीरो टू a वाली, a माइनस x वाली अगेन यूज कर ली मैंने इसे प्रॉपर्टी, टू ऐसी रहा जीरो टू पाई cos 5 पाई माइनस x कर दो यूज, और वापस से ये फिर कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस में कन्वर्ट हो गया बेटा, तो जीरो टू पाए ये आ गया माइनस कॉस फाइव एक्स डी एक्स, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं फिर ऐड कर दूं,